वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस और आई होप सो यू विल बी हैप्पी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, या आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेल। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टिक सेल या गैल्वोनिक सेल या डेनियल सेल्स क्या होती हैं, तो उसमें, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो आपको बताया कि सेल्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला टाइप का जो सेल्स था वो था वोल्टिक सेल, वहां पर जो है कोई भी केमिकल रिएक्शंस अकर होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, चार्ज का डिपोजिशन होता है, ईएमएफ बनता है। ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है एक्सटर्नल सोर्स से, और सोर्स से डालने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, दो तरह के आयंस होते हैं सोल्यूशन के अंदर जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपोजिट होते हैं। तो यहाँ भी मूवमेंट होता है, तब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब आपको पता होगा थोड़ा सा जो उसका एप्लीकेशन है, अगर आपने कोई जो है कोटेड मेटल दे रखा है, मतलब आपके पास आयरन है उसके ऊपर पेंट हो रखा है किसका, जिंक का, गैल्वेनाइज कहते हैं उसको, तो हम वो सब प्रोसेस किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से। ठीक है ना, तो पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं, इट इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी From external source causes non-spontaneous redox reaction। तो देखो थोड़ा सा यहां से अलग है, वहां पे क्या होता था हमारा जो रिएक्शन है दैट्स स्पॉन्टेनियस redox reaction है, और यहां पे क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction है। यहां पे क्या है एक्सटर्नल सोर्स से ईएमएफ दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाते हैं, वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट कराया जाता है, वहां पे क्या है हमें क्या है ऑप्टेन होता था। ठीक है ना, तो वो क्या है आपके आउटपुट ऑप्टेन का, ईएमएफ ऑप्टेन का एक डिवाइस है, और यहाँ पे क्या है हमें जो है इनपुट में, आपको इनपुट में जो है इन्हें आप देना पड़ता है, और जिससे क्या होता है केमिकल रिएक्शंस अकर्स होती हैं। इसका मेन काम क्या है, केमिकल रिएक्शन को अकर्स करना, या सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो डिपोजिशंस ऑफ मेटल्स ऑन अनदर मेटल्स, तो ये इसका क्या होता है मेन रोल होता है। ठीक है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो यहाँ पे जो पहली चीज जो आती है पढ़ने के लिए वो होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये रिएक्शन या ये प्रोसेस हर जगह होता है क्या, तो हर जगह नहीं होता, ये कहां पे होता है दैट्स अकर्स इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सैंपल्स, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स। तो ये कहां पे होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द दो सब्सटेंस विच ऑन या विच इन एक्वस सोल्यूशन डिसोसिएट्स इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस, अपने आयंस में टूट जाते हैं। अब ये आपके पास अगर आपको याद होगा आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, हमारे पास आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयंस में टूट जाते हैं, अगर उसको हम पानी में डालते हैं, पानी की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैव हाई डायरेक्टिव कांस्टेंट, तो वहां पे क्या होता है आयंस में टूट जाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए बी, अगर हमने इसको पानी में डाला तो इट मे बी रिवर्सिबल, तो क्या बनेगा ए प्लस और बी माइनस, या बी प्लस और ए माइनस, वो डिपेंड करता है। बट देखो यहाँ पे क्या है, पहला जो होता है आयंस के अंदर जो पहला साल्ट जो होता है उसके अंदर पहला पार्ट क्या होता है कैटायंस, दूसरा क्या होता है एनायंस, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कैटायंस और एनायंस बनते हैं, या पढ़ेंगे साल्ट एनालिसिस में जब आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना, MgCl2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि ग्लूकोज को जब हम पानी में डालते हैं तो ये क्या है सोल्यूबल तो हो जाता है, बट अपने आयंस में जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स हैं कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, उनमें डिसोसिएट नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे सैंपल्स जिसको पानी में डालने के बाद, एक्वस सोल्यूशन में डालने के बाद, या उनके अपने सोलवेंट में डालने के बाद वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉर्मली जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं साल्ट फॉर्म में, वो सारे के सारे क्या है, ऑलमोस्ट सारे क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो NaCl, KCl ये सारे एग्जाम्पल किसमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये दो तरह का होता है, पहला क्या होता है स्ट्रॉन्ग और ये क्या होता है वीक। तो वीक का एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से याद होता है जब आप टेंथ क्लास में पढ़ते होते हैं कि वीक बेस और वीक एसिड्स, तो आपको याद है कि हमारे पास एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, तो जब आप इसको पानी में डिसोसिएट करते हैं तो जो यहाँ पर कार्बोनेट, ये जो हमारे पास
बना हुआ है एसिटेट आयंस और प्लस हाइड्रोजन आयंस, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इट कैन नॉट 100% आयोनाइज, ठीक है नी। तो इसको हम कहते हैं वीक एसिड। तो दोज एसिड या दोज कंपाउंड विच डू नॉट डिसोसिएट्स 100% या कंप्लीटली, और ये क्या होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज। तो यहां पे क्या आता है NaCl और KCl एंड सो मैनी मोर। तो ये क्या डिपेंड करें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है नहीं। अब देखो हम जो है कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक कंटेनर होता है इसमें, और उसमें क्या है इलेक्ट्रो, दो इलेक्ट्रोड ले जाते हैं, वो सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं डिफरेंट के भी हो सकते हैं, नॉर्मली सेम ले सकते हैं बट इट मे बी डिफरेंट। अब यहां पे जो है एक्सटर्नल सोर्स से ईएमएफ दिया जाता है, बैटरी प्रोवाइड करी जाती है, तो जहां पर आपके पास पॉजिटिव एंड जाएगा वो क्या होता है आपके पास एनोड, और जहां पर क्या जाता है नेगेटिव जाता है उसको हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। और इसके अंदर क्या फिल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, NaCl KCl इस तरह के हमारे पास कंपाउंड्स भरे होते हैं। जब इसको पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब देखो हम दोनों सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वोल्टिक है गैल्वोरिक सेल्स है, और ये हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पहला डिफरेंस क्या होता है इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है और यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है, और इट कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है नी। उसका यूज कहाँ पे करते हैं इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है डेल्टा जी नेगेटिव आता है स्पॉन्टेनियस होता है, यहाँ पे डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट होता है और ये क्या है अपने आप स्टार्ट नहीं होते, ठीक है नी। तो सेल्फ स्टार्ट कौन से होते हैं आपके पास स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या होता है यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है कि साल्ट भी रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे आपको साल्ट भी लगाना पड़ता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है नी। बट यहाँ पे क्या है नो साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, ठीक है नी। इसके बाद देखो यहाँ पे दिखा कि एनोड क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिवली जिंक का बनाया था हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं, जिंक से कॉपर जाते हैं और करंट कहाँ चलती है कॉपर से जिंक, तो ये क्या होता है नेगेटिव और ये क्या होता है आपके पास पॉजिटिवली। तो यहाँ पे एनोड कैसा है नेगेटिवली और कैथोड कैसा है पॉजिटिवली, यहाँ पे आपको रिवर्स दिख रहा है कि एनोड कैसा है पॉजिटिवली और कैथोड कैसा है नेगेटिवली। इसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रोड जो है जो हमारे यहाँ पे ले रखे हैं मेटल्स के होते हैं वो सेम मटेरियल के हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या होंगे हमेशा डिफरेंट के हो सकते हैं, यहाँ पे आपको सेम भी हो सकते हैं और इट मे बी ऑफ डिफरेंट मटीरियल, ठीक है नी। तो ये क्या है दोनों का डिफरेंस, ये क्या है दोनों का डिफरेंस, थोड़ा सा हमें रिकॉल करने के लिए क्या फर्क होता है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो एनोड है वो पॉजिटिवली है और वहां पे एनोड क्या है नेगेटिवली है, और साल्ट भी रिक्वायर होता है। और मेन डिफरेंस क्या है इसका, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो होती है इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर दैट्स ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और यहाँ पे क्या आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ओके, तो अब हम इस देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो इसके अंदर आपको हमने बताया कि हमारे पास एक ही पॉट होता है, उसके अंदर क्या है हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और दोनों कहाँ डिप होते हैं एक ही कंटेनर में डिप होते हैं। और इसके बाद देखो यहाँ पे जो है हमारे पास दो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोड काम कर रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को एंटर कराते हैं। तो जो यहाँ पे जो हमारे पास जो पॉजिटिव है वो क्या होता है एनोड और ये क्या होता है कैथोड, तो करंट कहाँ एंटर करेगी पॉजिटिव से, ठीक है नी। तो करंट कहाँ चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट कहाँ जाएगी इस तरह, ठीक है नी। और दूसरा इसके अंदर क्या फिल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो दो टर्म्स आते हैं हमारे पास कि हमारे पास कोई साल्ट है, तो जब साल्ट को आप एक्वस करेंगे और साल्ट कैसा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वहां पे दो चीजें बनती है कैटायंस और एनायंस। तो इन चीजों को जो हमने डिफाइन कराया गया है ऑन द बेसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करा गया है। अब जब हम इसको करंट पास करेंगे तो जो यहाँ पे पास आयंस है अपने आप टूट जाते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट के, साल्ट के अंदर जो है वाटर में डालते हैं साल्ट को, तो दैट्स डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस या दे आर आयोनाइजेबल, दे आर आयोनाइजेबल मीन्स आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है आपके पास पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ भी आपके पास दो तरह की स्पीसीज है, अब हम किसको क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है जो स्पीसीज कहाँ जाएगी, जो स्पीसीज कहाँ जाएगी पॉजिटिव की तरफ जाती है, कहाँ जाती है पॉजिटिव की तरफ जाती है, ठीक है नी। तो इसका मतलब क्या है वो कहाँ जा रही है एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। तो
तो जो हमारे पास स्पीसीज होती है, स्पीसीज मूविंग टुवर्ड्स एनोड को हम बोलते हैं एनायंस। तो एनायंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर या एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर जो स्पीसीज साल्ट की एनोड की तरफ जाएगी उसको एनायंस बोलते हैं। तो उसका मतलब नेगेटिव पार्ट क्या होता है हमारे पास? एनायंस होते हैं। दूसरा क्या होता है? जो स्पीसीज कहां करती है? टुवर्ड्स कैथोड मूव करती है। टुवर्ड्स कहां करती है? कैथोड मूव करती है, उसको हम बोलते हैं कैटायंस। तो पॉजिटिवली चार्ज क्या कहला जाएंगे आपके पास? पॉजिटिवली आयंस क्या होते हैं हमारे पास में? तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कैटायंस क्या होते हैं? दैट्स स्पीसीज विच मूव्स टुवर्ड्स द कैटायंस और द स्पीसीज ऑफ साल्ट दैट मूव्स टुवर्ड द एनायंस। तो उसको कैटायंस एनायंस कहते हैं। अब एक टर्म्स आते हैं हमारे पास कैथोलाइट्स, द लिक्विड सराउंडेड अराउंड कैथोड्स। तो ये क्या होता है? लिक्विड सराउंडेड अराउंड कैथोड, उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोलाइट्स। और लिक्विड सराउंडेड अराउंड एनोड उसको हम बोलते हैं एनोलाइट्स। तो ये कहां होता है? एनोड के आसपास होता है और ये कहां पर है? कैथोड के आसपास है। तो ये क्या होती है? हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है। अब देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे क्या है? दो अपोजिट स्पीसीज जो है दो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपोजिट हो जाती है। तो आपने क्या देखा यहां पे कि ये कहां जाएगी? इसके पास, और ये कहां जाएगी? इसके पास, और इसी पे क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है। क्या होता है? इसके ऊपर डिपोजिशन होता है, क्योंकि मेन काम क्या होता है इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको याद है कि हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते थे, रस्टिंग को हम कैसे रोकते हैं? बाय गैल्वनाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर आपने यहां पे क्या ले रखा है? आपके पास आयरन ले रखा है और यहां पे आपने जिंक लिया, तो जिंक क्या होगा? इसके ऊपर जाके डिपोजिट हो जाता है और डिपोजिट होने के बाद में एक सरफेस बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यही क्या होता है इसका मेन एप्लीकेशन है। बाकी और भी एप्लीकेशन है किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के। अब देखो इसको हम समझ सकते हैं कि एक हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास, आपको याद है कि अगर हमने मॉल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस का इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, हमने पास हेल हेराल्ड प्रोसेस, तो उसके अंदर क्या होता है? मॉल्टन NaCl का करते हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो जैसा कि प्रोसेस होता है, दो रिएक्शन होती है हमारे पास, कैथोडिक रिएक्शन और एक क्या होती है आपके पास? एनोडिक रिएक्शन। तो मीन्स जो रिएक्शन कहा होती है कैथोड पर, कैथोडिक रिएक्शन, और जो कहा होती है एनोड पर, क्या कहते हैं उसको? एनोडिक रिएक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कैथोड पे क्या होगा? तो इसको हम भी जब देखते हैं तो दो रिएक्शन लिखते हैं। तो पहला हम कह रहे हैं कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा हमारे पास? कैटायंस जाएगा, और कैटायंस क्या जाएगा? Na प्लस, और क्या जाके बनेगा वो? Na। अब देखो जब ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो मीन्स इट रिक्वायर्स चार्ज। तो इसको चार्ज चाहिए जो कहां से आएगा आपका? एक्सटर्नल EMF के सोर्स से। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na। क्या बनेगा? Na। तो उसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ा हमारे पास? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा? ये सोडियम। तो कैथोड पर हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम बनता है। अब हमें देखना होता है कि इसके ऊपर कितना हो सकता है, तो हम निकालेंगे चार्ज ऑन वन मोल। अगर हम कह रहे हैं कि एक मोल सोडियम को एक मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा? एक मोल सोडियम बनता है। तो हम कह रहे हैं कि चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा? कितना चार्ज हो जाएगा? तो हम सिंपल कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹, ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और जब भी बात करेंगे मोल की तो क्या कर देंगे? 6. Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻²³। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है आपके पास? 96487। और हम इसको बोलते हैं फैराड। तो फैराड का मतलब क्या है कि चार्ज फॉर वन मोल, तो चार्ज पर यूनिट मोल को हम क्या बोलते हैं? फैराड। तो हम कह सकते हैं कि मानो एक फैराड की वैल्यू कितनी होगी? इतनी आती है। तो अगर हमारे पास कितना चार्ज देना पड़ेगा इसको? वन फैराड। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते तो टू फैराड, अगर हम करते चार तो क्या होते हैं हमारे पास? चार फैराड। तो ये क्या डिपेंड करता है? इसको चार को। किसको डिपेंड करता है? चार को।
तो सिंपल अगर ये हमें चार्ज निकालना है, कितना चार्ज प्रोवाइड करना है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एफ। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और एफ क्या है, फेराडे कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 96487 कूलाम पर मोल। तो एफ वन फेराडे कितना होता है, आपने अभी देखा कि 96487 और कूलाम पर मोल, तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसलिए कहते हैं इसको फेराडे कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास चार्ज जब भी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फेराडे कॉन्स्टेंट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी, बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हम उसको अभी करेंगे, बट फिलहाल ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड फेराडे कॉन्स्टेंट। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेराडे लॉ, क्योंकि फेराडे ने क्या करा, पूरे प्रोसेस को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस को बड़ी एक्सटेंसिवली यूज करा और उसको ऑब्जर्व करा, उसके बाद वहां पे दो लॉ दिए, उसको हम कहते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों में से कोई सा भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अब देखो कैथोड पर क्या हो सकता है, हमेशा रिडक्शन होता है। तो एन ए ने क्या इलेक्ट्रॉन गेन करे, देखो यहाँ पे क्या देखा आपने कि एन ए प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनता है एन ए। तो कैथोड चाहे हमारे पास किसी भी सेल का हो, इलेक्ट्रोलाइट सेल का हो या गैल्वेनिक का हो, वहां पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन, हमेशा वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होता वहां पे, क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड पर कोई सा प्रोसेस हो रहा हो, ऑक्सीजन या रिडक्शन, वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट्स प्रोपोर्शनल टू द चार्ज और करंट पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, उस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो या तो मोल्टन फॉर्म में होता है या सोल्यूशन फॉर्म में। तो ये हमारे पास मोल्टन फॉर्म में क्या एनएसीएल था, तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू के। तो सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास लेट डब्ल्यू द, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कितना अमाउंट वहां पर डिपोजिट हो रहा है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू के। जितना चार्ज इस बैटरी से या एक्सटर्नल सोर्स से अंदर आता है उसके प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास डब्ल्यू कितना आएगा, के इंटू क्यू, के इंटू क्यू, या हम बोल सकते हैं कि W कितना हो जाएगा, K, और क्योंकि हम कह देंगे I इंटू टी। तो W क्या है, I के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर T क्या है, टाइम, Q इज इक्वल टू आई टी। अब देखो जो यहाँ पे Q होता है उसको हम क्या बोलते हैं, Z, तो Z Q। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Z Q। मीन्स अगर हमारे पास, अगर आपसे पूछता है कि अमाउंट ऑफ डिपोजिशन या कितना अमाउंट हमारे पास डिपोजिट होता है, तो उसको हम बोलते हैं W इज इक्वल टू Z Q, क्योंकि हमारे पास चार्ज है। अब हमारे पास देखते हैं कि Z कैसे निकालते हैं, तो Z क्या होता है हमारे पास, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो देखो हम Z को क्या बोलते हैं, तो Z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। तो अगर हम इसको बाय डेफिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, एम बराबर जेड क्यू, अगर हमने कितना करा, जेड को वन कूलाम करा, ठीक है नी। या हम कह रहे हैं कि आई इंटू टी को क्या करा, वन एम्पियर क्या करा, वन सेकेंड, तो एम क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, जेड के इक्वल, इसलिए कहते हैं मास डिपोजिट बाय वन कूलाम ऑफ चार्ज और मास डिपोजिट बाय वन एम्पियर इन वन सेकेंड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, और क्या बोलते हैं इसको, जेड, क्या बोलते हैं इसको। अब देखो जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स करते थे कि हमारे पास एक और फॉर्मूला आएगा किसका, जेड निकालेगा, तो जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर आपको याद हो, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, अपॉन वैलेंसी, या बोलते हैं चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। अगर हमारे पास कोई रिडक्शन है तो वहां पे चेंज कितना आता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एम। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास को हम अगर हम कह रहे हैं कि एम या ए मानते हैं, तो ए अपॉन एन, ए अपॉन एन। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास सी यू प्लस टू से क्या बनना है, सी यू बनना है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 अपॉन चेंज कितने का आ रहा है यहाँ पे, प्लस टू से जीरो, तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू। तो ये क्या बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, ये आपने इलेवंथ में निकाला होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, इक्विवेलेंट बेस ऑफ द मेटल्स, इक्विवेलेंट बेस ऑफ द बेस,
डिफरेंट होते हैं, सबके फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग होते हैं, बट हमारे पास फॉर्मूले क्या निकालेंगे यहाँ पे, जेड इक्वल टू ई अपॉन एफ, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट का एक और फॉर्मूला हो सकता है कि जेड इंटू एफ, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं और बाकी हम यूज करेंगे इसको इस तरह, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कितना था कि एम इक्वल टू जेड क्यू, एम इक्वल टू जेड की फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, तो जेड को हम रिप्लेस कर लेंगे एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे इनटू क्यू, इनटू क्यू। तो इससे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला आ सकता है किसके लिए, मास डिपॉजिट एट कैथोड और एनोड, एट कैथोड और एनोड। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, तो सेकंड लॉ ऑफ फेराडे क्या होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा सेल्स के अंदर क्या है, सेम करंट प्रोवाइड करी जा रही है। तो हमने क्या रखा है कि एक सेल और दूसरे सेल दोनों को हमने क्या रखा है, सीरीज करंट का रखा है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक ही कॉमन बैटरी है। अब आपको बताया कि जब हमारे पास सीरीज में होते हैं तो उनमें करंट क्या रहती है, सेम रहती है, मतलब चार्ज का फ्लो भी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। यही कहता है कि वेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज और करंट इज पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन सीरीज, द मास लिबरेटेड और डिपोजिट, जो मास लिबरेट होता है या डिपोजिट होता है एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जिस पर भी होना होता है कैथोड पर या एनोड पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो इसका मास डिपोजिशन हो रहा है वो डिपेंड करता है इसके इक्विवेलेंट मास पर। और पहले में क्या था हमारे पास, वो तो डिफरेंट मास डिफरेंट डिपोजिशन डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के इक्विवेलेंट मास पर। अब हम कह रहे हैं कि मानो यहां पर क्या है कॉपर और यहाँ पे क्या है एजी, तो हमें पता है कि कैथोड पर क्या होता है डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पे क्या होता है कॉपर इकट्ठा होगा कैथोड पर, ठीक है नहीं, और यहाँ पे क्या होता है सिल्वर इकट्ठा होता है एनोड पर। तो हमारे पास कितना होता है, उनका मास डिपेंड करता है किस पर, उसके इक्विवेलेंट मास पर। तो हमें पता था कि जो फर्स्ट लॉ था क्या था, डब्ल्यू बराबर कितना था जेड क्यू, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा जेड वन इंटू क्यू। अब हमारे पास क्यू वन अगर हम माने क्यू वन, और दूसरा क्या होता है डब्ल्यू टू इक्वल टू जेड टू इंटू क्यू टू। अब हम कह रहे हैं कि क्यू वन बराबर क्या है क्यू टू, इसको हमने क्या मान रखा है क्यू, अगर ये कॉन्स्टेंट है, अगर ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा हमारे पास जेड वन क्यू, और डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा जेड टू क्यू, जेड टू क्यू। अगर हम दोनों का क्या करते हैं रेशो करते हैं, क्या करते हैं रेशो करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल टू जेड वन अपॉन जेड टू। तो ये हमारे पास कहा आ रहा है, फर्स्ट लॉ से आ रहा है कि डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू क्या आ रहा है आपके पास जेड वन अपॉन जेड टू। अब देखो जेड में क्या है, कुछ चीजें कॉन्स्टेंट है, कुछ चीजें क्या है कॉन्स्टेंट, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है नहीं? आप पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, हम इसको रब करना है। अब अगर हम जो है इसमें से कुछ कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग कर देते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू वन अपॉन टू क्या आ रहा है डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू क्या आ रहा है जेड वन अपॉन जेड टू। तो जेड क्या होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा ई वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन अपॉन एफ, और ये तो एफ कैंसिल हो जाता है, तो यहां से क्या आएगा डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू। तो यहां से क्या आगे हमारे पास डब्ल्यू प्रोपोर्शनल ई, तो वेट या मास ऑफ एनी एलिमेंट डिपोजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। अगर इक्विवेलेंट मास ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मास डिपोजिट ज्यादा होता है, और हमारे पास इक्विवेलेंट मास क्या है कम है, तो क्या हो जाएगा कम होता है। अब जैसे अगर हमारे पास यही एग्जाम्पल था, तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास डब्ल्यू वन क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि मास ऑफ द कॉपर, मास ऑफ द कॉपर सी यू डिपोजिट, ये भी डिपोजिट होता है, और फिर हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द एजी सिल्वर डिपोजिट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी। अगर हमारे पास तीन होते तो वहां पे क्या आएगा इक्वल में डिसमस, क्योंकि देखो इन सब का जो डिवाइड है वो क्यू है, तो किसी भी सेल रिएक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है
सेम करंट से, तो Q रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो Q क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास M अपॉन E, क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है, M कितना होता है जेड क्यू। अगर हम कह सकते हैं कि M कितना हो गया, जेड कितना होता है E अपॉन F इंटू क्यू। तो सिंपल हम कह रहे हैं Q क्या हो जाएगा हमारे पास M अपॉन E, तो क्या होगा रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया इस टॉपिक में या आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ाया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है और उसको गवर्न करने के लिए फैराडे लॉ किस तरह यूज होते हैं, किस तरह हेल्पफुल होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे इसके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स जो किस पर होते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पर। तो कोई बड़े लॉ नहीं होते हैं या कोई बड़ा भी आपका कोई बड़ी जो है केमिस्ट्री नहीं है, बहुत सिंपल लॉ होते हैं, बट जो इसका डेली लाइफ में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जितनी भी आपकी मेटलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, किसी भी जो हमारे पास बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, उसको हम जो है किस तरह रिफाइंड करते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करते हैं, और जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, गैलेंसर होता है, वो सब किसके बेस पर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से। ठीक है नी, तो हमारे डेली लाइफ में क्या इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अगर आपके पास कोई एक बोल्ट भी है, जैसे अगर हमारे पास ये कोई बोल्ट है, तो ये क्या आपके पास नॉन गैल्वनाइज्ड है, ये क्या हमारे पास क्या है नॉन गैल्वनाइज्ड है। और अगर हमारे पास कोई दूसरा बोल्ट है, जैसे हमारे पास ये बना हुआ है यहाँ पे या ये बना हुआ है, तो ये वाला बोल्ट किस तरह का है, इसका ये क्या है, दिस इज द गैल्वनाइज्ड, ये क्या होता है हमारे पास में गैल्वनाइज्ड होता है। मींस इसको हम यूज करके किससे बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से। ठीक है नी, तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है नी, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जो कि आपकी मॉरल ड्यूटी है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहां तक हमारा जो है मिशन है वो सब तक पहुंच सके, इसके लिए लाइक एंड शेयर क्या है बहुत जरूरी है। और इस बहुत क्रिशियल टाइम में क्या है, आप जो है घर पे रहें, हेल्दी रहें और क्या रहें, जितना कम से कम पढ़ें, बट जितना भी आप क्वालिटी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ज्यादा पढ़ना हमारे लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होता है, बट जितना भी आप क्वालिटी आराम देते हैं किसी भी स्टडी को, तो दैट्स वेरी वेरी इफेक्टिव और हेल्पफुल। तो जितना भी आप हो सकता है, जितना भी आपका माइंड करता है उतना पढ़िए, फ्रेश माइंड से पढ़िए, और घर पे आप रहेंगे तो हेल्दी खाइए, हेल्दी खाने से आपका माइंड क्या रहता है, फ्रेश रहता है, हेल्दी चीजें खाने से आपका ब्रेन क्या रहता है, शार्प रहेगा। जितना भी आप पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी क्या है, शार्प होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।